हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कुछ एक्टिविटी ऐसी देखी होगी सुमूल तोकीर खान की, के जो आप लगातार मैसेज भेज रहे हो कि भाई ये क्या चल रहा है, सुमूल के साथ ऐसा क्या हो गया। और उस वीडियो के अंदर उतनी मासूम और वो थोड़ा सा टूटी हुई सी दिखी सुमूल तोकीर खान, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। वजह के साथ साथ हम चीजें और बताने की कोशिश करेंगे आपको कि यही चीज शिव ठाकरे के साथ भी ना हो जाए, अगर कुछ चीजों पे अंकुश नहीं लगा और थोड़ा सा फैंडम ज्यादा प्यार के साथ साथ उन चीजों पे अगर दूसरी आइडियो पे जाके ट्रोलिंग करने लगा, तो यही चीजें कहीं ना कहीं शिव ठाकरे के साथ भी होती दिख सकती है। जो हम लगातार आपको मना भी करते हैं कि प्लीज मत करें, क्योंकि हमारा सीधा सा कि हम फैंडम के साथ जुड़े हुए होते हैं। फैंडम के साथ हर एक्टिविटी या कुछ भी चीजें होती है जहां से आप तक पहुंच पाए वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन साथ के साथ आप लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, जो सुमूल तोकीर खान इतना हस्ती थी, जो मंडली के साथ रह के बहुत खुश रहना सीखी, घर से बाहर निकलने के बाद शिव ठाकरे के साथ हो या अब्दू के साथ हो, मस्ती काफी वीडियो उनके आए, लेकिन कुछ ऐसा घटा कि मैं फैंडम की बात इसमें ऐड करना चाह रहा हूं बार बार। उस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि वो जो एप्स जो स्पेस होते हैं ट्विटर पे, उस पे जो कहते हैं ना कि फैन पेजेस होते हैं, कुछ एफसी बनते हैं और वो अपने फेवरेट को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ये हर साल होता है बिग बॉस के अंदर, हम देखते हैं कि बहुत चाहने वाले होते हैं जो लोगों को इकट्ठा करके बातचीत करते हैं, ट्रेंडिंग की बात करते हैं, कैसे ट्रेंड करना है, कैसे अपने प्लेयर को फेवरेट बेनिफिट हो सके, जिनसे उनकी तरफ वोटिंग जा सके, बहुत करते हैं और ये सभी लोग करते हैं। उसी के साथ जब फैंडम के साथ कुछ लोग मिलते हैं, उनकी फैमिली आती है या उस स्पेस में वो हिस्सा बनती है, तो उन लोगों को थोड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि जो फैंडम चलाते हैं, जो एफसी होते हैं, वो कहीं ना कहीं और क्या ले लेंगे अपने फैन से या क्या कुछ कर लेंगे। लेकिन एक खुशी होती है कि हम जिसे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी स्पेस में आ रही है। और ऐसा हर सीजन होता है, जो भी कंटेस्टेंट घर के अंदर जाते हैं उनकी फैमिली कहीं ना कहीं इधर उधर जाती रहती है। हमने कई बार ही देखा है सुमूल तोकीर खान के फादर हमेशा अपने जो सुमूल के फैंस हैं उनसे मिलते थे, उनकी स्पेस में जाते थे, उन्हें हर एक चीज बताते थे। अब ये हो रहा है, जिस दिन सुमूल निकली थी उस दिन भी उन्होंने स्पेस में आके लोगों को चुप कराया और कहा सुमूल तोकीर खान इविक्ट हो चुकी है, तो आप वो घर आएगी तो हम उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे ऐड करेंगे, सब चीजें चली। उसी के साथ जब जो एफसी होते हैं जो सब कुछ हैंडल करते हैं, जब वो किसी को ऐसे कंटेस्टेंट को अपने स्पेस में इनवाइट करने की कोशिश करते हैं जहां पे अगर वो लोग जुड़ जाए तो थोड़ा सा और कहते हैं ना कि बेनिफिट हो सकता है सुमूल को, तो उन्होंने फैमान खान को ऐड करने की कोशिश करी, तो फैमान ने मना कर दिया कि वो अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल कर रहा है। ये चीज अब घूमने लगी, ये चीज आरोप लगाए एफसी ने भी कि भाई ये क्यों करा जा रहा है, ये हमारी स्पेस में तो जुड़े ही नहीं, आपको सपोर्ट नहीं किया। ट्रेंड होने लगा, कई चीजें चली, सुमूल तोकीर खान ने वो चीजें देखी तो उन्हें वो चीजें अच्छी नहीं लगी। इसके पीछे का क्या कारण रहा क्या नहीं रहा, ये तो आप बिल्कुल जान गए होंगे कि सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आपको बहुत अच्छी तरीके से घर के अंदर जो सपोर्ट करने गया है, जो घर के अंदर आपके साथ 2 दिन बिता रहे हैं फैमान खान, लेकिन घर के बाहर रह के उन्होंने इतना सपोर्ट क्यों नहीं किया सुमूल तोकीर खान को, ये सवाल फैंडम के भी थे और यही आरोप उन्होंने लगाए फैमान खान पे कि बिल्कुल भी सुमूल तोकीर खान को फेवर नहीं किया, ना ही सपोर्ट किया, ना ही कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया इतना। ये तो रही उनकी बात, लेकिन अब हम आते हैं शिव ठाकरे पे भी, क्योंकि देखो सुमूल तोकीर खान ने भी कहीं ना कहीं ट्विटर ये चीजें आप टैग करते हो तो खंगाली हो गया वो, बड़े ही जो इतनी स्माइल और इतनी खुशी वाली एक लड़की थी जो बिल्कुल हंसती खेलती रहती थी, वो बिल्कुल मायूस है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सब चीजें नेगेटिविटी उन तक पहुंची। हम भी यही आपको कहना चाहते हैं कि शिव ठाकरे खतरों के खिलाड़ी के अंदर है, ट्रॉफी के पलवर दावेदार है, अच्छा हर एक स्टंट कर रहे हैं। तो ये जो कुछ लोग होते हैं कि यार इसने शिव के लिए ये कह दिया, वहां पे जाके बजना, ये बजना वो बजना, बहुत सी चीजें चलाई जाती है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं शिव तक भी पहुंचती है। अब वो टास्क करे या स्टंट में अपना 100% दे या इन चीजों का जवाब देते फिरे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुमूल तोकीर खान जैसा शिव ठाकरे का हाल ना हो जाए तो प्लीज ये चीजें भी बंद कर दें, बिल्कुल साइड रख दें, क्योंकि इनसे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि ट्रॉफी लेके आएंगे शिव ठाकरे, जीत के आएंगे तो वो बहुत कुछ मैटर करेगा, तो फिर तो आप सब कुछ करोगे ही, और इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें जो चीजें चल रही हैं। और ये चीजें कहीं ना कहीं सब लोग वो सर्च करते हैं, रात में अपने होटल में जाते हैं तो देखते हैं, तो माइंड में अगर कोई एक चीज ऐसी हिट कर जाए जिससे कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, उसके बाद अगले दिन जो स्टंट हो उस पर उसका इफेक्ट भी पड़ सकता है, ये आपको मानो या मत मानो ये भी सच्चाई है, तो प्लीज इन चीजों से दूर रहें। सुमूल तोकीर खान का वीडियो देखा और आप लोगों ने वो वीडियो भी शेयर किया, लेकिन मेरे को वो वीडियो देख के काफी
यही कहना चाहूंगा कि फैंडम ने जो चीजें करी, प्यार दिया सुगल तोकिर खान को, और हमने तो किया ही क्योंकि मंडली का एक अहम हिस्सा थी, हक से मंडली के साथ हमेशा उस नारे के साथ हम चले, लेकिन अब उन चीजों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब सुगल तोकिर खान में बहुत टैलेंटेड है, इन चीजों को ना ही लेके आए। अगर ये चीज आ भी रही थी तो इसे साइड रखा जा सकता था, क्योंकि अब ये चीज फैमाल की लाके कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ना ही कोई बिग बॉस की ट्रॉफी चेंज होने वाली है, लेकिन ये चीज दिखा के शायद बहुत चीजें छुपाई जा सकती थी, हटाई जा सकती थी। तो ये अगर खुले में ट्रेंड करके और ये बता दिया गया सुमुल को कि फैमान आपके हक में बिल्कुल भी नहीं थे, तो अब आप देख रहे हो ना कि वो थोड़ा सा मायूस है, टूटी हुई है, तो ये चीजें बंद करें आप लोग, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी भैया, जो मर्जी करो, जो मर्जी चलाओ, लेकिन इनसे बेनिफिट होने वाला नहीं है क्योंकि बिग बॉस 16 खत्म हो चुका है। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। कुछ जबरदस्त चीज लेके आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बहुत खुशी मिलेगी, शिव ठाकरे के रिलेटिव है, तो बने रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।